भुवनेश्वर नगर के पुलिस कॉलोनी तालाब रोड पर विराजित मां आदिशक्ति का दिव्य दरबार नगर में आस्था का केंद्र है। विगत 19 वर्षों से अनवरत नवरात्रि के 9 दिवस में प्रति रात्रि कालीन अतिथियों व प्रबुद्ध जनों के कर कमलों से मां आदिशक्ति की आरती की गई। आयोजक समिति के माध्यम से अतिथि सत्कार व प्रति रात्रि बालिकाओं द्वारा मनमोहक गरबा रास पर प्रस्तुतियाँ दी गई, जिसमें प्रति रात्रि हजारों महिलाएं, बालक बालिकाएं व पुरुष उपस्थित रहे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरे के दिन प्रातः 10:30 पर मां आदिशक्ति की आरती अतिथि कुकड़ेश्वर नगर परिषद अध्यक्षा उर्मिला महेंद्र पटवा, कुकड़ेश्वर नगर परिषद उपाध्यक्षा सोनाली पटवा, पार्षद लक्ष्मीबाई कछावा, SI मोहन सिंह चौहान व समाज सेवी महेंद्र पटवा, उज्ज्वल पटवा, डॉक्टर रामू कछावा, लोकेश तुगनावत, बलवंत खींची, विष्णु भट्ट, नरेंद्र मालवीय के कर कमलों द्वारा की गई। वह नवरात्रि के 9 दिनों तक गरबा रास करने वाली लगभग 7 ग्रुपों की लगभग 90 बालिकाओं को पुरस्कार वितरण अतिथियों के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाकर सेवा देने वाले को भी पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात कन्याओं का पूजन अतिथियों द्वारा कर कन्या भोज करवाया गया। कन्या भोज के बाद सभी का स्नेह भोज रखा गया। कार्यक्रम में मंदिर निर्माण व स्वागत द्वार सहित मंदिर प्रांगण में RCC करवाने की मांग नगर परिषद से समिति द्वारा की गई, जिस पर नगर परिषद अध्यक्षा उर्मिला पटवा ने अपने उद्बोधन में स्वीकृति प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन दीपक सोलंकी द्वारा किया गया व मंगल कछावा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।